वहीं देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। समूचे देश में 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। वहीं मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। बीते दिन जिला निर्वाचन अधिकारी ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि छतरपुर, टीकमगढ़ और खजुराहो सहित दमोह लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में शांति भंग करने वाले लोगों को जिला बदर की कार्यवाही की जाएगी। 24 के डेट्स अनाउंस हुए हैं, आज से ही आदर्श आचार संहिता लागू है और जो नोटिफिकेशन है उसका 28 से लेके 4/4 को लास्ट डेट रहेगी और जो वापसी का नाम वापसी का तिथि 8 तारीख को रहेगी और हमारा फेज 2 में रहेगा। पूरे इंडिया में जो 7 फेजेस में है हमारा फेज 2 में रहेगा और मतदान की तिथि जो है 26/4 को रहेगी और काउंटिंग जो है 6 जून को रहेगा और ये पूरा प्रक्रिया 4 जून को रहेगा। नीड टू करेक्ट दैट। और पूरी प्रक्रिया जो है 6/6 को खत्म होगी। हमारे यहाँ पे कुल लगभग 14,27,000 छतरपुर में मतदाता है और ईपी रेशियो हमारा 64.24 है जो ऑन एवरेज ईपी रेशियो 64% रहता है और जेंडर रेशियो हमारा 881 है फॉर एवरी 1000 मेल। तो 1538 हमारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं पूरे छतरपुर में। हमारे 3 संसदीय क्षेत्र आते हैं, दमोह, खजुराहो और टीकमगढ़। तो इस हिसाब से हमारा सभी कार्रवाइयाँ रहेंगी और हम सभी से शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए पूरा तैयारी है। हम सभी से अनुरोध भी करेंगे और सभी मिलके हाईएस्ट हमारा वोटिंग परसेंटेज का काम भी करें और हम लोग इस पर अच्छे से काम